वित्त वर्ष 2017-18 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करने का समय आ गया है। आज धंधा पानी पर हम आपको बता रहे हैं कि ITR फॉर्म 1 सहज ऑनलाइन फाइल करने की प्रोसेस क्या है, घर बैठे कैसे भरे इनकम टैक्स रिटर्न, इसके फायदे। मैं आपके साथ हूँ सुमिरन। कुछ लोग ITR फाइल करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी CA की मदद लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऑनलाइन खुद ही फाइल करते हैं और ऑनलाइन भरना कोई मुश्किल बात नहीं। अब क्योंकि आप ये बड़ा सबमिशन अकॉम्प्लिश करने जा रहे हैं, तो हम आपको करेंगे मोटिवेट। आखिरकार आप भारत के उन थोड़े लोगों में से हैं जो टैक्स भरते हैं, पहले तो आपके लिए तालियां। और अब बताएंगे एडवांटेजेस इस हार्डवर्क का। ITR दाखिल करने के 8 फायदे हैं। पहली बात तो ये कि अगर आप टैक्स रिफंड क्लेम करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए टैक्स रिटर्न फाइल करना ही होगा। दूसरी बात, होम लोन, एजुकेशन लोन, ऑटो लोन मंजूर होने की प्रक्रिया बहुत आसान हो जाती है और तेजी से मिल सकता है लोन। घर या जमीन की रजिस्ट्री करवाने में भी ये मददगार साबित हो सकता है। वीजा मिलना हो सकता है आसान। अगर आप हाई लाइफ कवर लेना चाहते हैं तो आपको ITR की कॉपी देनी होगी। अगर आप पर थोड़ा टैक्स बनता है और आपने अब तक टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपको अपने टैक्स के साथ कुछ प्रतिशत ब्याज भी देना पड़ सकता है। अगर ओरिजिनल रिटर्न फाइल करते हुए आपसे कोई चूक हो गई है तो उसे रिवाइज रिटर्न में ठीक किया जा सकता है। अब ये इनकम टैक्स रिटर्न है क्या? वेल, ये एक सीक्वल है टैक्स का, जैसे मम्मी रिटर्न्स, फुकरे रिटर्न्स, सुपरमैन रिटर्न्स, वैसे इनकम टैक्स रिटर्न्स। जस्ट किडिंग। इनकम टैक्स रिटर्न वो डॉक्यूमेंट है जो आप अथॉरिटीज को देते हैं बताते हुए अपनी इनकम के बारे में, प्रॉफिट्स के बारे में, अपने लॉसेस के बारे में और टैक्स रिफंड और टैक्स लायबिलिटी के बारे में। वैसे हम उम्मीद करते हैं कि आपको टैक्स के बारे में सोचते हुए अपने बचपन की वो मैथ्स क्लास तो याद नहीं आती। अब बात करते हैं कैसे इसे फाइल किया जाए। सबसे पहले आप ये चेक करें कि आपको ITR फाइल करने के लिए कौन सा फॉर्म चुनना है। अगर आपकी सैलरी और एक हाउस प्रॉपर्टी से सालाना इनकम 50 लाख रुपए तक है तो आपको ITR फॉर्म 1 सहज भरना होगा। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त ये 10 दस्तावेज जरूर तैयार रखें। आप ITR फॉर्म हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में भर सकते हैं। अगर आपने 31 जुलाई तक ITR फाइल नहीं किया तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। कैसे करें ITR ई फाइलिंग? आपको सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा। इसके बाद ई फाइल विकल्प चुने और इसमें इनकम टैक्स रिटर्न सिलेक्ट करें। असेसमेंट ईयर 2018-2019 और ITR 1 चुने। इसके बाद फॉर्म सबमिट करने का मोड आपको चुनना होगा। इसमें आप प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन चुन सकते हैं। यहाँ आपको चुनना होगा कि आप अपने ITR को वेरीफाई किस तरह से करेंगे। इसके दो तरीके हैं, आधार या नेट बैंकिंग के जरिए और ITR को बेंगलुरु स्थित सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में भेजकर। वेरिफिकेशन भले ही इनकम टैक्स रिटर्न का आखिरी कदम हो, लेकिन आपको इस बारे में विकल्प यही चुनना होगा। ITR ऑनलाइन फाइलिंग के 7 स्टेप्स हैं। ये सिंपल स्टेप्स हैं, लेकिन ध्यान देकर करिएगा। तो ये थी कहानी इनकम टैक्स रिटर्न की। हम भी अगले हफ्ते रिटर्न करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि अगर आप किसी फाइनेंशियल मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स पर लिखिए। BBC हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। BBC हिंदी फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। मैं सुमिरन आपसे लेती हूँ इजाजत। हैप्पी रिटर्न्स।